हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू माई इंग्लिश क्लास सो टुडे एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर थ्री क्वेश्चन तो जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेवन क्लास के लिए थ्री क्वेश्चनस मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था एक राजा है जो अपने तीन सवालों का जवाब जानना चाहता है जिसमें उसने एक बैठक बिठाई थी तो उसको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिले थे तो वो सेटिस्फाई नहीं था तो वो एक डिसीजन लेता है जो जंगल में एक हरमिट रहता है उसके पास जाने की क्योंकि वो हरमिट अपनी बुद्धिमता के लिए जाना जाता है एज द किंग केम नियर द हरमिट हर्ट ही सो दर्मिट डाइगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट जैसे ही राजा हरमिट के पास पहुंचा हरमिट की झोपड़ी के पास उसने देखा जो हरमिट था वो अपनी झोपड़ी के सामने जो जमीन थी उसको खोद रहा था ही ग्रिटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डाइगिंग उसने राजा को देखा पर वो लगातार अपनी उस जमीन को खोदता रहा द हरमेट वॉज ओल्ड एंड वीक जो हमारा हरमिट था वो काफ़ी बूढ़ा था और काफ़ी कमज़ोर था एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैविली जैसे जैसे वो काम कर रहा था एक भारी सांसों के साथ कर रहा था द किंग अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव केम टू यू वाइज हरमेट मैं जो राजा था जो राजा था वो हमारा हरमिट के पास जाता है और हरमिट से कहता है कि आई हैव केम टू यू मैं आपके पास आया हूँ वाइज हरमिट बुद्धिमान हरमिट टू आस यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो जो हमारा राजा था वो हरमिट से कहता है कि हरमिट मैं आपके पास इसलिए आया हूँ एक तीन सवाल है मेरे जिनका मैं जवाब जानना चाहता हूँ जिसमें पहला सवाल था कि मैं कैसे जान सकता हूँ किसी भी काम को करने का राइट टाइम और वो कौन से है जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए और वो कौन से काम है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए जिन्हें मुझे करना चाहिए द हरमिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक जो हमारा हरमिट था उसने राजा की सारी बात तो सुनी पर उसने कोई भी किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया ही वेंट ऑन डाइंग वो कंटिन्यू खुदाई करता रहा यू आर टायर्ड सेट द किंग लेट मी टेक स्पैड एंड वर्क इन यूर प्लेस तो जो हमारा राजा था उसने कहा कि तुम बहुत थक चुके हो राजा हमारा हरमिट से कहता है कि तुम बहुत थक चुके हो लेट मी टेक द स्पैट तो अपनी जो कुदहाड़ी है वो मुझे दे दो और अपनी जगह पर मुझे काम करने दो थैंक्स सेट दर्मिट गिविंग द किंग्स इज इस पैड देन इज सेट डाउन ऑन द ग्राउंड तो जो हमारा हरमिट था वो शुक्रिया कहने के साथ ही राजा को अपनी कुदहाड़ी दे देता है और दूर जाके ज़मीन पर बैठ जाता वेन द किंग जब राजा एक दो बड़ी बड़ी कैरियाँ खोद देता है ही स्टॉप एंड रिपीटेड इज थ्री क्वेश्चन तो वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और अपने तीन सवालों को रिपीट करता है द हेरमिट गेव नो आंसर्स तो जो हमारा हेरमिट है वो फिर भी कोई जवाब नहीं देता बट एंड स्ट्रेचिंग सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी दर्क पर हमारा जो हरबेंड होता है वो किसी भी तरह का कोई जवाब तो नहीं देता पर वहाँ पर खड़े होके अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए राजा से कहता है कि जो कुदहाड़ी है वो मुझे दे दो अब तुम आराम करो और मैं काम करूँगा बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टेक तो जो हमारा राजा था वो उसे कुदहाड़ी वापस नहीं देता है और कंटिन्यू खुदाई करता रहता है वन आवर पास देन अनदर एक घंटा बीत चुका था उसके बाद दूसरा घंटा बीत चुका था द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज जो हमारा सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिप चुका था। छिप चुका चुका था था एंड एट लास्ट द किंग स्टडी द एंड एट लास्ट द किंग किंग्स टेट इन टू द ग्राउंड एंड सेट आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन उसके बाद जो हमारा राजा था जो कंटिन्यू खुदाई करने में लगा हुआ था वो लास्ट में क्या करता है कि जो खुदाड़ी होती है उसे ज़मीन में स्टक करने के बाद यानी कि एक गढ़ी हुई पोजीशन में रखने के बाद हरमिट से कहता है आई केम टू यू मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन अपने सवालों के जवाब के लिए इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर्स अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते हो टेल मी सो

हिज हैंड्स वर् प्रेस अगेंस्ट द स्टमक उसके जो हाथ थे वो उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था फ्रॉम हिस्स वो जहाँ से उसका रक्त कंटिन्यू बह रहा था वेन ही रीच द किंग टू द ग्राउंड जैसे ही वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा के पास तक आता है तो वो वहाँ पर जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है द किंग एंड द हारमेट रिमूव द मैं क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज बाउंड इन इज स्टमक जो हमारा हरमिट है और जो हमारे राजा हैं वो दोनों मिलकर उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाते हैं हटाने के बाद वो क्या पाते हैं कि उस व्यक्ति के स्टमक पे एक बहुत बड़ा घाव था द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विदिस हैंडकट चिप तो जो हमारा राजा था राजा ने क्या किया कि उसका जो जख्म था उसको कवर किया अपने रूमाल के साथ और उसकी उसे साफ करके वॉश करने के बाद बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग जो खून था जो उस कंटिन्यूस के खून निकल रहा था वो बंद नहीं हुआ था द द किंग एंड वुड एट लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप तो जो हमारा राजा था वो कंटिन्यू उसकी रीड्रेसिंग करता रहा जब तक के जख्म में से खून निकलना बंद नहीं हो गया द मैन फेल बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक जो हमारा दाढ़ी वाला व्यक्ति था जो जख्मी व्यक्ति था वो अब काफी बेटर महसूस करने लगा था देन उसके बाद वो कुछ पीने के लिए पूछता है द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम तो जो हमारा राजा था वो जाके फ्रेश पानी लेकर आता है और उसे ऑफ़र करता है बाई दिस टाइम द सन सेट एंड द एयर वॉस कूल अब जो समय था वो बिल्कुल जो हमारा सूरत था वो पूरी तरह से छिप चुका था अंधेरा होने लगा था एयर वॉस कूल जो हवा थी वो बहुत ठंडी हो गई थी द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प द बाउंडेड मैन इन टू द हट एंड द लेड हिम ऑन द बेड जो हमारा राजा था वो हर्मिट की हेल्प से उस घायल व्यक्ति को हाथों में उठाते हुए अंदर झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं एंड लेट हिम ऑन द बेड और उसे बेड पर लिटा देते हैं